सफरजादों के इस सफर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जहां सफर हमने पिछली बार छोड़ा था, आज आपको उससे आगे का सफर दिखाते हैं। रांची से आगे आते टाइम ये कुछ पहाड़ियां दिखती हैं और उसके बाद ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ये ट्रैक स्टार्ट हुआ है अब तो। पहले पहले जो हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था, जो वाराणसी विलेज से यहाँ तक आए, वो सीधा रास्ता था, पर अब यहाँ से स्टीप डाउन है एकदम, और बहुत देख के चलना पड़ता है कि नीचे खाई है। और रास्ता आपको देख ही रहा होगा कैसा रास्ता है ये। रास्ता देखिए, आपको पूरा रास्ता दिखाते जाएंगे कि क्या हालात हैं, किस तरह से आपको ये ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये रास्ता ऐसा जा रहा है, फिर ये नीचे उतरेगा और फिर वहाँ से ये जाएगा। चलते हैं साथ साथ, देखते हैं कहाँ से कैसे जाएगा। ये हमारे साथ ही आते हुए ये देखिए कितना स्टीप है ये, और ये बिल्कुल ढलान है एकदम। अब ये थोड़ा रास्ता सही आया है, इससे पहले जो आपने रास्ता देखा, जान पे खेल के, अपनी जान हथेली पे रख के जिस तरह से चले हैं ये सारे नौजवान खतरों के खिलाड़ी, स्पेशल कमांडोस। ये देखिए हमारा ब्लैक कमांडो, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अभी जो आप लोगों को रास्ता दिखाया वो करीब करीब आधा किलोमीटर का था, उसके बाद आपको ये प्रॉपर रास्ता दिख जाता है। इस रास्ते में आपको ऐसे बहुत से पहाड़ों में झरने देखने को मिल जाएंगे, और ये बुरांश के पेड़ हैं, लाल हरा नीला आसमान, नदियाँ और कुछ ऐसे दोस्त यार भाई जो इस सफ़र को और भी ज़्यादा सुहाना बना देते हैं। करीब 20 मिनट हो गए हैं चलते हुए, पहले तो हम बराबर चल रहे थे प्लेन सरफेस पे, उसके बाद पिछले 20 मिनट से हम सिर्फ नीचे ही जा रहे हैं, और नीचे हमारे यहाँ पे साथ साथ नदी चल रही है। ये नदी जो है मद महेश्वर गंगा कहते हैं इसको। अब ये देखेंगे आप पूरा रास्ता, हमें नीचे ही जाना है। तो अब तक जितना हम चले हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी ट्रैक है ये अभी तक का। आगे जाके क्या रंग दिखाता है ये ट्रक या हमारे रंग उड़ाता है, देखेंगे थोड़ी देर में। वो दूर मुझे लग रहा है कि गुंडार गांव है, अब वहां जाके ही पता चलेगा कि गुंडार है या कोई और है। चलते हैं आगे। मध महेश्वर 12:30, गोंडार 2.25 किलोमीटर रह गया है, और हमने यात्रा शुरू किया हुआ हो गया 46 मिनट। सीन कुछ ऐसा है, देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग मेस्मराइजिंग, जितने वर्ड्स यूज़ किए जाएं अद्भुत अविस्मरणीय। ये चीज़ बहुत रेयर देखने को मिलती है, ये झरना और ये नीला नीला पानी।
यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, वरना यहाँ जाके नहा के ज़रूर आएगा सर। कोई बात नहीं, कहीं और देखेंगे। अब तक हम नीचे जा रहे थे, अब थोड़ी सी चढ़ाई देखने को मिल रही है। देखते हैं कितनी चढ़ाई है ये, अरे हमें कितनी तकलीफ देगी। आज तो चल लेंगे, आज तो अभी चले कुछ नहीं है, तो आज तो इतनी कोई तकलीफ देगी नहीं। खैर देखते हैं, किसी का कुछ पता नहीं है, प्रकृति कब आपके साथ खेल जाए कुछ नहीं पता चलता। सौ डेढ़ सौ मीटर की चढ़ाई के बाद फिर से हमारा सामना ढलान से हुआ। नीचे हमारे साथ साथ नदी बह रही है, ऊपर बादल बह रहे हैं, इधर समय के साथ हम बह रहे हैं। आपको ये देखिए, जो हमने झरना देखा था वो यहाँ से ये आ रहा है, ये झरना जाके ये आगे इधर नदी में मिलता है, जो नदी इस साइड से आ रही है और झरना आपका यहाँ से आ रहा है, इधर से झरना आ रहा है, फिर दोनों जाके उधर मिलते हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है, और सामने मंदिर जो है वो गोंडार में है, जो सिर्फ यहाँ से 750 मीटर रह गया। ये देखा था हर 100 मीटर के बाद एक, अब तो दो दिख गए, दो देखिए, एक और दिखाते हैं, दो और एक साथ, एक छोटा एक बड़ा, देखिए दो हक। आखिरी का 250 मीटर गोंडार के लिए और सीधी खड़ी चढ़ाई, शुरुआत की हमें लालच देके नीचे 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 लाते थे और उसके बाद सीधी खड़ी चढ़ाई, धोखा हमारे साथ। इस पूरे ट्रैक में आपका साथ मधुगंगा देती हुई जाती है, जिसे देखकर ऐसा मन करता है कि नीचे जाएं, इसमें जाके नहाएं, इसके पास बैठें और आसपास के नज़ारों का आनंद लें। मधमहेश्वर जी के रास्ते में गोंडार एक बहुत बड़ा गांव आता है। यहाँ पे आपको रहने के लिए कोई अच्छे होटल्स तो नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज हैं और आपको खाने के लिए पहाड़ी फूड मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 400 रुपये से 500 रुपये पर हेड पे रहने के लिए मिल जाएगा और 100 रुपीज़ पर प्लेट आपको खाना मिल जाएगा, जो यहाँ पे आपको घर का खाना मिलेगा। यह है गोंडार। 4 बजे के करीब हम लोग गोंडार पहुंचे, पर हमारा स्टॉप था बंतोली। बंतोली दो हैं, लोअर बंतोली अपर बंतोली। हमें जाना था अपर बंतोली, जहां हम हर्ष भाई के होम स्टे में रुकने वाले थे। इस टाइम हम खड़े हैं बंतोली में मधमहेश्वर रास्ते,
ट्रैक के रास्ते में। यहाँ पे हमारे भाई हैं, भाई का नाम हर्ष है, और ये निकाल रहे हैं ब्रांच का जूस जो हम लोग पीते हैं, वो ये लोग बनाते हैं, ब्रांच के पत्तों से बनाते हैं। भाई बताएंगे, भैया कैसे बनाते हो इसको? ब्रांच के फूल से, फूल से। फूल को क्या करते हो? उसका जो अंदर की तिलियां होती है ना, हाँ जी, वो निकालनी है पहले। अच्छा, उसके बाद ब्रांच को धोना है, उबालना है। तो उबाल के उसको कितने देर तक उबालना होता है? जब तक वो थोड़ा पकाने ना, जब तक पक नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद पकने के बाद अच्छा दवाई डालना, फिर वो कितने दिन तक रह जाता है? 6 महीने तक खराब नहीं होता। ठीक है, तो अभी आपका कब तैयार होगा बनके? अगर हमें पीना हो तो कब मिलेगा? अच्छा, तो 3 दिन बाद होगा पीने का, ना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, शुक्रिया भैया। ये है बंतोली से नज़ारे। हम लोग शाम को पहुंचे और 7-7:30 बजे खाना खा के हम लोग सो गए, और अगले दिन जब हम उठे तो हमें उठ के भगवान श्री मद महेश्वर जी के छत्र के दर्शन हुए। अच्छा, 18 मार्च 2022 सुबह सुबह 7:30 बजे मेरी आँख खुली है, और यहाँ हम हैं बंटोली में, और ये मद महेश्वर जी का छत्र है। इसकी पूजा हो रही है। देखिए आगे का नज़ारा, पूरी खड़ी चढ़ाई और ये नज़ारा सारी थकावट दूर कर देता है। ब्रांच के पेड़। 18 मार्च 2022 होली का दिन, मद महेश्वर जाने नहीं दिया गया, वापस जा रहे हैं, गोंदार पहुंचे और हमारी होली इस तरह से स्वागत किया गया है। ये हमारे सारे साथी, एक हमारा भाई आगे जा रहा है प्रवेश, और दो अभी पीछे रह गए हैं, होली तो उनकी भी मनेगी, और शराफत से मना लो तो बढ़िया है, वरना नीचे आप देख सकते हैं नदी बह रही है, होली इसके अंदर मनती है, बाकियों की तो मनेगी तो मनेगी। अभी आगे चलते हैं। आते टाइम जो झरना हमने आप लोगों को दिखाया था, हमें किसी तरह से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिल गया, और सुबह सुबह हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हम सब ने उस झरने के ठंडे पानी में जाके स्नान किया, और जितनी भी हमारी थकावट थी वो तो सारी की सारी चूमन कर ली। मद महेश्वर जी के कपाट बंद होने की वजह से हम लोगों को खडरा तक जाने दिया गया, और उसके बाद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने और मंदिर के लोगों ने हमें आगे जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमने अपना रास्ता वापस पकड़ा और हम लोग रांची की तरफ आ गए। ये वापस आते टाइम रांची का रास्ता है। रांची आने के बाद हम लोग रांची की देवी माँ राकेश्वरी देवी जी के मंदिर गए। राकेश जो चंद्र को कहा जाता है, चंद्र जी को जब श्राप मिला था कि उनके शरीर पर दाग धब्बे हो जाएंगे, तब उन्होंने माता का आह्वान किया, माता की पूजा की, तब माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि हर पूर्णिमा के बाद वो अपना पुराना रूप वापस ले पाएंगे। इसी वजह से चंद्रदेव की कलाएं बदलती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये माँ राकेश्वरी देवी जी का मंदिर है जो पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है। इसके अंदर हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, तो यहाँ पर मांगी हुई हर इच्छा पूरी होती है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भी स्किन डिजीज़ हैं वो आके मिस्टीरियसली गायब हो जाती हैं। यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर एक पानी टपकता है, उस पानी को लगाने से ये चमत्कार देखने को मिलता है, और सावन और भादों में यहाँ पे माता की पूजा की जाती है। ये है रांची का नज़ारा, आप देख सकते हैं। हम लोगों को जब मद महेश्वर
कि भगवान ने अपने पास नहीं बुलाया तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग रानीखेत होते हुए नैनीताल जाएंगे, और रास्ते में जो हमें मिला वो हम आपको अगले में दिखाएंगे।